बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुश आमदीद। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में, बच्चों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज मैं अपने किचन में बहुत ही झटपट बनने वाला कद्दू शरीफ का हलवा लाई हूँ, जो कि 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाता है। तो चलिए आज मैं अपने तरीके से आपको बताती हूँ कि मैं कैसे कद्दू शरीफ का हलवा बनाती हूँ। तो सारी अशिया आपको बता देती हूँ। मैंने ले लिया है इधर 1 kg कद्दू। मैंने गोल वाले कद्दू लिए हैं, आप लंबे वाले कद्दू भी ले सकते हैं। तो अब मैंने इसे अच्छी तरह धो लिया है। धो के मैं इसे बैक से और फ्रंट से थोड़ा थोड़ा काटूंगी। फिर इसे हम पील ऑफ करके इसके हल्के हल्के बीज निकाल के तो फिर हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए इधर मैंने हसबे ज़रूरत चीनी ले ली है। चीनी आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालनी है। पहले हम हाफ डालेंगे, अगर कम हुई तो फिर हसबे जायका हम और भी डाल देंगे। साथ ही मैं इस तरह ले रही हूँ फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ, जो कि 1 कप है। अगर आपने ये वाला दूध नहीं डालना तो आप ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है, जैसे आपको पसंद है, या जो भी चीज़ अवेलेबल है आपके घर में वैसे आप बना सकते हैं। साथ ही मैंने इधर नारियल का बराता ले लिया है, जो कि 3 से 4 टेबलस्पून है। साथ ही हमने ले लिया है मलाई, होममेड मलाई है। दूध बॉईल करने के बाद मैंने ऊपर से उतार लिया है, तो ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच है मलाई के। अगर आपने ये नहीं डालनी तो फिर आप टेट्रा पैक की क्रीम भी डाल सकते हैं। साथ ही इधर मैंने खोया ले लिया है, साथ इधर देसी घी है, ये भी होममेड है। इधर कुछ नट्स ले रही हूँ, नट्स आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, जो आपको पसंद है या जो भी आपके किचन में अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। कोई भी अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, 3 इलायचियों के दाने मैंने निकाल के इसको दरदरा सा पीस लिया है। अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने 3 इलायचियों के दाने निकाल के तो इसे मैंने पीस लिया है। साथ ही इधर किशमिश ले लेंगे, इसे मैंने धो के डालना है। साथ ही इधर पिस्ते हैं, हसबे ज़रूरत ये डाल दूँगी। इधर है काजू और बादाम। और चलिए बस इतनी सी चीज़ों से बनने वाला झटपट कद्दू शरीफ का हलवा है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी देखने से पहले और शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए बिस्मिल्लाह का नाम लेते हैं तो फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा जी, मैंने ले ली है 1 प्लेट। तो अब हमने एक कटर ले लेना है और एक लेनी है नाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हमने फ्रंट से थोड़ा सा काटना है, बैक से काटना है। मैं इसे बारी बारी पील ऑफ करके ग्रेट करती जाऊंगी ताकि ये ब्लैक ना हो। सारे मैं पील ऑफ करूंगी तो ये ब्लैक होते जाएंगे, तो सारे मैं पील ऑफ नहीं करूंगी, पहले मैं एक करूंगी। ऐसे कटर की मदद से बड़ी आसानी से आपने इसे पील ऑफ कर लेना है, बड़ा कम टाइम इसे लगता है। चाची देखिए कितनी आसानी से पील ऑफ हो गया है। सेंटर से कट करेंगे इसे, ऐसे कट करना है आपने। अच्छा, कई लोग बीज नहीं निकालते, वैसे ग्रेट कर लेते हैं। तो आप अगर बीज नहीं निकालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़े थोड़े निकाल लूँगी, इतने इतने ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े मैं निकाल लूँगी। अगर बड़े बीज हैं तो फिर निकाल लें, तो अगर बीज नहीं है, वाइट वाला पार्ट है, तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मतलब आप ना उतारें फिर भी हलवा हमारा ठीक बनेगा। इसे मैं साइड पे करती हूँ। मैंने जैसा को बताया था आपको, बर्तन में मैंने
पानी में हाफ जो है ना टेबल स्पून मैंने डाला था नमक। अच्छा ये ग्रेटर ले लेंगे। अच्छा जो बड़े मुंह वाला है ना उससे आपने करना है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा करना है। ऐसे मैं साथ साथ पील ऑफ करती जाऊंगी कद्दू को, इसके बीज निकाल के, तो फिर हम साथ साथ ग्रेट करेंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। कलर अगर चेंज हो गया तो हलवे का कलर अच्छा नहीं बनेगा। ये जो एंड में रह जाता है ना, ये होता तो मुश्किल से, लेकिन हमने वेस्ट नहीं करना, हमने इसे भी इस्तेमाल में लाना है। भाई इतनी महंगाई है तो अब बड़े सोच समझ के चलना पड़ता है, तो क्यों हम कुछ वेस्ट करें। देखे हो गया। अच्छा जी देखिए इसी तरह मैं बाकी के भी कर लूँगी, तो फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो देखिए सबको मैंने ग्रेट कर लिया है। अभी से हम एक बर्तन लूँगी, मैं एक छन्नी ले लूँगी, और अब सारे जो ग्रेट किए हुए कद्दू हैं इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अच्छा इसका पानी अब निकाल देना है ताकि नमक सारा ख़त्म हो जाए, जायका नमक का हमने ख़त्म करना है। तो अब मैं निचोड़ के तो फिर इसे दो दफ़ा साफ़ पानी में धोऊंगी कि ताकि सारा जो नमक है ना उसका टेस्ट ख़त्म हो जाए। ऐसे आपने निचोड़ लेना है। देखिए पानी सारा नीचे तक आ गया। दो दफ़ा धो के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए दो तीन दफ़ा पानी से मैंने इसे धो लिया है, सारा पानी मैंने इसका निकाल लिया है। देखिए कितना ड्राई हो गया, दबाने से भी पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है इतना। तो एक दफ़ा फिर हम ऐसे निचोड़ के, तो जिसमें आपने हलवा बनाना है फिर आपने उसमें डालना है। काफ़ी हद तक मैंने निचोड़ लिया, लेकिन मज़ीद और भी जब बर्तन में डालते हैं तो फिर इसे निचोड़ लेते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम हम ऑन करते हैं। एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पानी हमने ड्राई करना है, बाकी तो हमने काफ़ी हद तक इसमें से निकाल लिया है, लेकिन फिर भी हमने 5 से 6 मिनट मीडियम सी फ्लेम पे इसको, हमने इसका पानी जो है ना थोड़ा बहुत वो खुश कर लेना है। पाँच से 6 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमने इसका पानी खुश कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे दूध। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर ज़रा भी चेंज नहीं हुआ, कलर जैसे कद्दू शरीफ का कलर था फ्रेश फ्रेश, वैसे ही ग्रेट करने के बाद जो है इसका कलर वैसे का वैसे है। तो चलिए 5 मिनट हो गए मुझे मीडियम टू लो फ्लेम पे, मैं जो इसका पानी हूँ वो ड्राई कर रही हूँ। जितना भी इसे निचोड़ लें, लेकिन वेजिटेबल को जब हीट लगती है थोड़ा बहुत तो पानी निकलता है ना, तो वो हमने खुश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास दूध का है, नीम गर्म दूध मैंने डाला है। तेज़ आंच पे हमने इसका जो दूध है ना जो हमने डाला है, तेज़ आंच पे हमने इसे खुश करना है। तो अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, जो कि 1 कप चीनी थी, तो मैं थोड़ी सी बचा लूंगी। अगर और भी डालनी पड़े तो फिर बाकी वाली हम डाल लेंगे। साथ ही हमने ग्रीन फूड कलर डालना है, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई सा भी फूड कलर डाल सकते हैं, मतलब डालना अपने ग्रीन है तो बना जो कद्दू का हलवा है रहे हैं तो फिर ग्रीन ही डालना है, लेकिन आप लिक्विड भी डाल सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो ये मैं हल्का सा डाल दूंगी ताकि कलर है, मैंने तकरीबन 2 पिंच के करीब डाला है, ज़्यादा अपनी डालना, ज़्यादा डालने से कड़वाहट आ जाती है, बस हल्का सा डालना है ताकि
हमने दूध भी डालना है, मलाई भी डालनी है, खोया भी डालना है, तो फिर ज़्यादा वाइट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ग्रीन टच देने के लिए फिर हमने फूड कलर ऐड कर लिया है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कलर कितना प्यारा लग रहा है, लाइट सा ग्रीन कलर हो गया, जैसे पिस्ता कलर होता है ना वैसे। तो आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने कवर करके इसे 10-15 मिनट पका लेना ताकि अच्छी तरह गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं, मैं अब आपको इसकी सूरत हाल दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, देखिए काफ़ी हद तक जो है ना ये गल गए हैं। तो अब इसमें हम बाकी वाली चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इलायची पाउडर डालूंगी, देसी घी डाल दूंगी। देसी घी सारा नहीं डालना, मैंने इधर 4 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाल दिया है, क्योंकि हमने मलाई भी डालनी है, खोया भी डालना है, तो फिर ज़्यादा जो है ना चिकनाई सी हो जाएगी इसमें। अब इसमें 1 टेबल स्पून खोपरा ऐड कर दूंगी, बाकी का हमने प्रेजेंटेशन के वक्त डालना है। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने बचा लिया है। साथ ही इसमें मलाई डाल देंगे। देसी घी इसलिए मैंने कम डाला है कि मैंने मलाई डालनी थी। 2-3 स्पून जो है ना मलाई के हैं। अब इसमें साथ ही खोया डाल देंगे। अच्छा, अगर आपने खोया नहीं डालना तो ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं, तो जैसे भी आपकी चॉइस है, जो भी चीज़ आपके घर में है वो आप डाल सकते हैं। तो कई तरीक़ों से हलवा बनता है, कोई एक तरीका तो नहीं है। मैंने तो इसको हल्का सा स्टीम में पकाया है ना, तो बाद में दूध डाला है। तो आप जैसे पेठे का हलवा मैंने आपको दिखाया है, बनाना दिखाया है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ऐसे ही आपने इसको कद्दूकश करके ना, तो 2 गिलास पानी में डाल के तो बॉईल कर लेना है। बॉईल करना है आपने बस 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर चटनी सी बन जाएगी कद्दू की हलवा बनने के बजाय। तो पानी में आपने जस्ट 5 मिनट बॉयल कर लेना है, और साथ ही आपने उसके अंदर हल्का सा ग्रीन फूड कलर ऐड कर देना, जैसे हम ज़रदा बनाते हैं। तो फिर पानी ड्रेन करके, तो उसका पानी सारा खुश करके, तो देसी घी में इलायची डाल के तड़का बना के तो वैसे आप डाल दें। कद्दू को हल्का सा आपने फ्राई करना है, भूनना है, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो फिर आप इसमें जो मर्ज़ी डालना चाहें, मतलब खोपरा, ड्राई फ्रूट, ड्राई मिल्क डाल लें, खोया नहीं डालना या दूसरा सादा दूध नहीं डालना। तो आप खाली ड्राई दूध से भी बना सकते हैं, वैसे भी बड़ा अच्छा बनता है। तो अब इसे मैं तेज़ आंच पे इसका जो पानी है ना वो मैं खुश कर लूँगी। चीनी मुझे कम लग रही है, तो 3 टेबल स्पून मैंने चीनी और ऐड कर दी। तो चलिए, अच्छा सा मैंने इसे भून लिया है, जो हमने दूध डाला है या कुछ भी डाला है वो सब मिक्स हो चुका है, दूध ड्राई हो चुका है। अच्छा, इसमें मैंने चीनी 3 टेबल स्पून डाली है, और देसी घी भी और डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून, मुझे कम लग रहा था। तो अब ये तैयार हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसकी लुक, कलर देखिए कितना अच्छा आया है, मुझे तो देख के इतना अच्छा लग रहा है ना इसका कलर, कि बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी। अच्छी तरह हमने इसकी बुनाई की है, बुनाई मैंने इसकी 10 से 15 मिनट की है। कोई भी चीज़ आपने स्वीट डिश बनानी है या कुछ भी, उसकी बुनाई अच्छी करेंगे तो उसका टेस्ट जो है ना अच्छा आएगा। तो आप फ्लेम ऑफ करके ठंडा करते हैं, तो फिर हम इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। मैंने इसमें मीठा चेक कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट है मीठा। मैंने इसमें डाला है 1/2 कप से ज़्यादा चीनी गई है, और फुल से थोड़ी सी कम, 1 किलो कद्दू थे। तो चले फ्लेम ऑफ करके ठंडा करके सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। लुक इसकी देखिए माशाल्लाह, कलर इतना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो बच्चों को बना के दे, वैसे बच्चे सालन तो पसंद नहीं करते, तो चले मीठा समझ के खा ही लेंगे।
तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आज की सिंपल सी रेसिपी 20 से 25 मिनट में बनने वाला हलवा झटपट आपको कैसे लगा है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाइक से शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो